Hi, good evening. This is me, Dyson Shreya, live from Raj Vilas. कहाँ पर? जयपुर में. So हम लोग जयपुर में आपसे मिलने आ गए हैं meet and greet के लिए. So यहाँ पर बहुत प्यारे, बहुत special clients मेरे बहुत time से राजस्थान से, और मेरे mother in law भी राजस्थान से हैं. So एक special connection तो हमेशा से रहता है, वो bond हमेशा से रहता है. सो राजस्थानी मिर्ची खाना, और धीरे धीरे मैं आपको अपना पूरा खाना दिखाऊंगी जो राजस्थानी ऑथेंटिक मील होता है और जो मुझे बहुत पसंद है. सो जनरली व्हेन यू हैव सम आउटिंग्स इन योर माइंड एंड व्हेन यू आर नॉट वरीड फॉर योर वेट, व्हेन यू आर जस्ट लुकिंग फॉर द लव, ऑथेंटिक लव फ्रॉम राजस्थान, सो मतलब मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा कुछ बेटर नहीं हो सकता है. सो हमारे पास अभी यहाँ पर अभी मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी दो हमारे फ्रेंड्स के साथ. हाय, ओके, बल्लू, राइट. प्रतीश, आई रियली लाइक योर यूनिफॉर्म, द ड्रेस कोड, इट गिव्स दैट फीलिंग, हाँ, हॉस्पिटैलिटी. ओके, थैंक यू सो मच. तो पहले मैं आपको बता दूं हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे. पहले तो मैं आज हम लोग अभी पहुंचे, लॉन्ग ड्राइव थी, और क्योंकि अब कोरोना के टाइम पे या फिर इस पैंडमिक के टाइम पे एक सेफ्टी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो हम लोग ड्राइव करके आए हैं. सो इट टुक अस 8 लॉन्ग आवर्स टू रीच हियर विद माय चिल्ड्रन, विद माय हस्बैंड अलोंग. सो मैं आपसे मीट एंड ग्रीट के लिए, क्योंकि अभी क्योंकि इस ड्यूरिंग बहुत लोगों से हम मिल नहीं पाए लॉकडाउन करके, सो एक गैप आ गया था कहीं ना कहीं. सो मैंने अपनी फिजिकल मीटिंग स्टार्ट की है विद ऑल द प्रिकॉशंस, सो थोड़ा सा डिस्टेंसिंग रखते हुए, पर जो मिलने में मज़ा आता है वो और किसी चीज़ में नहीं आता. तो 20th को यानी कि परसों मैं मीट एंड ग्रीट के लिए आपको यहीं मिलूंगी, राजविलास ओबेरॉय. सो जयपुर में आपको आना है मुझसे मिलने के लिए. फटाफट से आपको अपने अपॉइंटमेंट्स बुक कराने हैं 7307303835 पर. वो तो अलग बात है, पर हम लोग जो यहाँ पर बात कर रहे हैं वो बहुत फूडी टॉक करने वाले हैं. सो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. जो मेरा पर्सनल फेवरेट है मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारे सांगरी की सब्जी है. ये मुझे बहुत पसंद है, आयरन का बहुत ही ज़्यादा अच्छा सोर्स है ये, और ये लाइट वेज रहता है. मुझे मालूम है कि आज मैं बहुत लेट डिनर कर रही हूँ 10 o'clock, पर हम लोग बहुत लेट पहुंचे. आप ये बताएंगे ये क्या है? तो दस दस गट्टा करी. That's the गट्टा करी. The ग्राम फ्लावर कुक्ड इन अ क्लियर योगर्ट ग्रेवी. हाँ. Then we have the first thing is the पापड़ पनीर. Oh. पापड़ पनीर. पापड़ पनीर. Yes. So जो इन्होंने इतनी सारी जो अंग्रेजी बोली ना, जो इंग्लिश बोली है, मैं आपको बता देती हूँ हिंदी में, हमारी राष्ट्रभाषा में ये जो ग्राम फ्लावर था यानी कि बेसन की कट्टे की सब्जी. भाई कट्टे की सब्जियां बेसिकली फ्राई किया हुआ है. हां जी मैम, उसको हमने फ्राई किया है. जैसे वो तंदूर में कुक करते पहले देन उसको कट करके ग्रेवी में डाल के मिक्स करके, पर आप लोगों ने स्टीम करके बनाना है हमेशा. बेसन के गट्टे की सब्जी को स्टीम करके बनाना चाहिए, फ्राई करके नहीं. पर हाँ, वही तो तभी तो फ्लेवर तभी आता है. आगे, और ये इनकी सब्जी है पापड़ की सब्जी, जो मुझे राजस्थान का एक ये बहुत अच्छा टच लगता है कि पापड़ की सब्जी, मतलब आपके घर में जब कुछ ना हो ना लॉकडाउन में, तो आपके घर में पापड़ पड़ा हो मुझे हमारे जो रॉयल जो चीजें रहती है, जो हमारे ऑथेंटिक इंडियन फ्रूट्स या फूड रहते हैं, उसका कोई मुकाबला नहीं है. गार्लिक चटनी एंटी इंफ्लेमेटरी है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, और अब बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन जाता है फूड के साथ. उसके बाद इसके साथ आप रोटी, बाजरे की रोटी. हाँ, सो बाजरा टिपिकली ग्लूटेन फ्री है, और मैं अगर आज रात को इतनी लेट खाना खा रही हूँ तो उसके साथ ग्लूटेन फ्री अगर बाजरा है सो दैट इज गुड टू गो. मतलब हमारे इंडियन ट्रेडिशन में वीट जो है, जो ग्लूटेन है, वो हमारे नॉर्थ में ज़्यादा आ जाता है, लेकिन अगर आप बाहर जाए, आप केरला साइड जाए, वहाँ आपको आपको रागी नाचनी मिलती है, और अगर आप इधर राजस्थान की बात करें वहाँ पे आपको बाजरा मिलता है, ज्वार मिलता है. तो ऐसे मिलेट्स खा के बहुत अच्छा लगता है और प्राउड फील होता है. और हाँ, मुझे मालूम है सर्दियों में ज़्यादा खाया जाता है, और ये तो हमेशा से मेरे को मेरी मदर इन लॉ की याद आ जाती है, दाल बाटी चूरमा. सो दाल मैम, यहाँ पे आपकी बाटी
आप उसको ना क्रश करके दाल ऊपर से डाल के आप घी भी उसमें डाल दो उसके बाद। मुझे वैसे खाना खाने में जो मजा आता है वो किसी और के हाथ से आता है, मेरे को अपने हाथ से उतना मजा नहीं आता, तो कभी मैं अपने हस्बैंड के हाथ से खाती हूँ या पहले पापा के हाथ से खाती थी। सो आज मेरा मन था कि बलू जी मेरे को दाल में बाटी चूर के दें, पर अनफॉर्चुनेटली अभी नहीं हो सकता, तो आई जस्ट प्रे कि ये जो भी चल रहा है बहुत जल्दी खत्म हो जाए, और ये वर्ल्ड को जो हीलिंग एक रिक्वायर्ड है वो आप सबके प्रेयर्स की वजह से या फिर आपके प्यार की वजह से ये सब खत्म हो जाए, और सब दोबारा से वो जो प्यार है वो शुरू हो जाए, और मैं कल आपको दोबारा लाइव दिखाऊंगी वो नेचर को जो दोबारा से खिलखिला रही है। पीकॉक से आपको मैं मिलवाऊंगी सुबह 5:30-6 o'clock मैं आपको लाइव मिलूंगी। हाँ, हो सकता है थोड़ा सा लेट हो जाए, और मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये मैं यहाँ पर जब पहुंची थी तभी हम लोगों को मतलब बहुत सारे पीकॉक्स नेचर को एंजॉय करते हुए दिखे, और मैं बहुत सारे ऐसे फेदर्स नीचे गिरे हुए थे वो लेकर आई हूँ। सो अच्छा लग रहा है, बहुत टाइम के बाद, बहुत स्ट्रेस एटमोसफेयर के बाद बाहर निकले और बाकी चीज़ें रूटीन में आ रही हैं, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। सो गुड़ है, खाने के बाद गुड़ हमेशा खाना चाहिए, डाइजेशन के लिए अच्छा है, आयरन के लिए बहुत अच्छा है, बहुत हेल्दी सब चीज़ें हैं यहाँ पर, देसी घी भी पड़ा हुआ है। सो इतना सब कुछ मील है, और कर लेंगे बाद में वेट लॉस, कोई बात नहीं, ठीक है। सो बाय, टेक केयर एंड सी यू एट मी एंड ग्रीट ऑन क्वेरी। बाय बाय, टेक केयर।